कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए, बीएससी तथा बीकॉम में सीटें बढ़ाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। विधायक चंद्रनाम दास ने अनशन स्थल पर पहुंचकर छात्रों को सीटें बढ़ने की सूचना दी तथा आंदोलन समाप्त करने की अपील की। विधायक की अपील पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिला तो वह दोबारा आंदोलन शुरू कर देगा। जो इनकी डिमांड थी, जब हमारे एडमिशन शुरू हुए थे तो हमने पहले ही शासन और विश्वविद्यालय को भेज दिया था सीटें बढ़ाने के लिए, प्रस्ताव भेजा था। तो वीसी का प्रस्ताव आया है कि हमने वो 10% सीट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, शीघ्र ही बढ़ जाएंगी, ऐसा उनका आया हुआ है। कितने छात्र छात्राएं हैं जिनको अभी एडमिशन मिलना है, नहीं मिला हुआ? करीब हर विभाग में अलग अलग हैं, जैसे कॉमर्स में तो लगभग सभी को मिल गया है, साइंस में कुछ सब्जेक्ट हैं वो जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से करीब 20-30 बच्चे होंगे, ऐसे ही आर्ट्स में होंगे करीब 50-60 होंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 100 के आसपास कुल मिला के बच्चे। देखिए, एबीपी द्वारा बागेश्वर में सीटें बढ़ाने और अन्य मांगों के लिए कई दिनों से आंदोलन हुआ है और आज मैं देख रहा हूँ कि एनएसआई वाले भी बैठे हैं। इस पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से वार्ता हुई है, मेरी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से वार्ता हुई है, निदेशक उच्च शिक्षा से वार्ता हुई है और कल एक आवश्यक बैठक शासन में यहाँ पर हुई है और सिद्धांततः जो बच्चे एडमिशन से वंचित रहे हैं उनको एडमिशन देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। कुलपति द्वारा भी 10% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को चला गया है, उस पर विचार हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी बच्चा हमारा एडमिशन से वंचित नहीं रहेगा। अन्य भी एक दो मांगे हैं, वो मांगे भी हम लोग जल्दी पूरे कर रहे हैं। जो महाविद्यालय में जो अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है वो भी विधिवत रूप से निदेशालय के माध्यम से शासन स्तर पर गया है, उस पर भी जल्दी हम विचार कर रहे हैं। हर साल हर जगह हमारे बच्चों की संख्या बढ़ रही है जिसके लिए हमने एक रास्ता निकाला। अभी गरुड़ महाविद्यालय में भी ये प्रकरण हुआ था, मैंने कुलपति से बात की थी, वहाँ पैनल आया था। ये भी यही प्रक्रिया हम करके मैं समझता हूँ कि जो एबीपी द्वारा जो मांग इस विद्यालय की रखी है वो 2-3 दिन में इसको एबीपी वालों के अध्यक्ष हरीश, ये अपना हरीश भाई मेहरा जी की भी कल माननीय मंत्री जी और सभी लोगों से बात हुई है। मैं सबका धन्यवाद दूंगा कि आपने छात्र हित में विद्यालय हित में ये काम किया है और मैं समझता हूँ कि आज आपने अपना हड़ताल वापस ले ली है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।